नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। यदि आपका बैंक अकाउंट आईडीबीआई बैंक में है तो आप किस तरह से आईडीबीआई बैंक के एम पासबुक को इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर खोल लेना है और सर्च कर लेना है यहाँ पर आईडीबीआई बैंक पासबुक। जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा आईडीबीआई बैंक एम पासबुक ऐप, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। चूंकि हम इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसको हम डायरेक्ट ओपन करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में है, आप जिसमें भी यूज करना चाहते हैं सेलेक्ट कर ले। चलिए हम इंग्लिश ही रहने देते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर कस्टमर आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है आईडीबीआई बैंक के साथ यहाँ पर टाइप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने कस्टमर आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स पर टिक कर लेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। अब यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो ओटीपी आने का आप वेट करेंगे। यहाँ पर चलिए ओटीपी हम यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यदि आपका ओटीपी नहीं आता है तो आपको ये समय चल रहा है, इस समय के बाद दोबारा ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चार डिजिट का यानी कि चार अक्षर का एक आपको पिन बनाना है। चलिए हम बना लेते हैं। नीचे भी आपको सेम टू सेम टाइप कर लेना है। चलिए हमने फिलअप कर दिया है ऊपर और नीचे। इसके बाद स्टार्ट यूजिंग एम पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चार डिजिट का अपना पिन जो आपने फिलअप बनाया था यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया, जैसे ही आप फिलअप करेंगे ये आगे का प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बैलेंस होगा यहाँ पर दिखाई देगा। ये पासबुक की तरह यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है फिलहाल। ये यहाँ पर देख सकते हैं IMPS के थ्रू ₹10 का ट्रांजेक्शन हुआ था, इसमें जमा किया गया था तो क्रेडिट लिखा हुआ है, और जो कटेगा आपके अकाउंट से तो यहाँ पर DR निकल के लिखा हुआ है, यानी कि आपके अकाउंट से ये बैलेंस कट हुआ है। यदि आप ये ट्रांजेक्शन को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ पर डाउनलोड का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक्सपोर्ट, यहाँ पर ओपन पे आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका डाउनलोड पासबुक जो आपने PDF के रूप में जो आपने डाउनलोड किया था यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसके बारे में और कुछ जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐप, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट स्टेटस देखिए एक्टिव लिखा रहा है और मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल है, यानी कि सिंगल अकाउंट है, ये ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग कब हुआ यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सपेंस मैनेजर है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो इसमें ट्रांजेक्शन आपका हुआ है आप यहां पर डेट वाइज या वीक वाइज अपना देख सकते हैं। यहां पर देखिए वीक पर क्लिक किया तो यहां पर शो कर रहा है। मंथ वाइज भी आप देख सकते हैं, ईयर वाइज भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम पे क्लिक करके कस्टम भी देख सकते हैं। किसी डेट पार्टिकुलर एक डेट को तो आप डेट भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अलर्ट यहाँ पर दिखाई देगा, कोई नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ पर शो करेगा। फिलहाल कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। चलिए हम बैक चलते हैं। इसके अलावा यहाँ फीडबैक है और सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे कि अपना पिन को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पिन भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिंक ऑन स्टार्ट है, यानी कि इस पर अभी टिक किया हुआ, यानी कि जब भी आप अपना
IDBI बैंक का एम पासबुक ऐप को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सिंक हो जाएगा, यानी कि आप कोई अपडेट होगा, आपने मान लीजिए पैसा जमा किया है या फिर पैसा निकाला है अपने अकाउंट से, तो ये आपको अपडेट यहाँ पर ओपन करने के साथ ही हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में जान सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट है। फिलहाल ये नहीं ओपन हो रहा, चलिए हम बैक चलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना पासबुक देख सकते हैं। तो ये रहा पासबुक के बारे में, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।